तो गाइज मार्केट में आए थे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर, मैं तो समझ नहीं आ रहा है लूँ क्या मैं। तो यहाँ पर तो बड़े अच्छे मुझे कप्स वगैरह मिले, और उसके बाद ओ हो कितनी अच्छी मछली है ना, आपको भी अच्छी लगी होगी है ना। सभी दोस्तों को शीला पंत का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस टाइम हो गया 7:20 उठ गए, उठने के बाद काम धाम भी चाय पी ली, दूसरी बार चाय बनाने जा रही हूँ किचन में। उससे पहले हस्बैंड के लिए जूस बनाना है चुकंदर का, तो गाइस फटाफट से किचन में जाती हूँ, आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं। तो गाइज मैं किचन में जा रही हूँ, किचन में जाके मैंने हस्बैंड के लिए ना बनाया जूस। जूस मैंने जूसर से नहीं बनाया, मिक्सी में पहले छोटे छोटे चुकंदर के पीस कर लिए, और उसमें मैंने डाला टमाटर, और मैंने उसमें नींबू डाला। तो उसको फिर अच्छे से मैंने पीस लिया। पीसने के बाद उसको देखिए अच्छे से, जब पीस गया ना, फिर मैंने उसको अपने एक बर्तन में निकाला और उसको अच्छे से छान लिया। तो गाइस छानने के बाद देखिए उसमें ना काफ़ी रस बच गया था, तो मैंने उसको स्पून से चम्मच से थोड़ी थोड़ी ऐसे हिलाया, और उसके बाद उसका जो रस था सारा निकल गया। तो गाइस फिर उसके बाद मैंने इसको गिलास में ऐसे डाल दिया देखिए, और थोड़ी सी उसमें काला नमक। तो गाइस ये लो जी, हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो गया, यम्मी दिख रहा है ना। तो गाइस फटाफट से हस्बैंड को दे के आती हूँ जूस। तो गाइस जूस बनने के बाद हस्बैंड को दिया मैंने, तो उन्होंने कहा पहले मैं दवा खा लेता हूँ उसके बाद जूस पीता हूँ। तो जूस पिया तो उन्हें जूस ठीक ठाक लगा। तो गाइस हस्बैंड को भी जूस दे दिया, और वो कह रहे हैं थोड़े नमक कम हो रहा है, तो नमक डाल रहे हैं और अच्छा हो रहा है कह रहे हैं। तो गाइस ये भी हस्बैंड के लिए बना दिया, तो अच्छा लगा उनको। थोड़ी थोड़ी ना ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी, नहीं देंगे तो वैसे इतने कमज़ोर हो गए, और भी कमज़ोर हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है उतना मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से देखभाल करो, बाकी हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है वो अपना कितना ध्यान रख रहे हैं। तो गाइस सारा काम धाम होने के बाद अब मैं जा रही हूँ किचन साइड में। पहले मैं देखती हूँ काम क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा, इतनी गर्मी हो रही ना, एक तो इतनी गर्मी हो रही, मैं क्या ही बताऊँ। तो गई हस्बैंड को भी दे दिया उनका नाश्ता वगैरह, वो नहाएंगे धोएंगे, जब तक वो नहाएंगे धोएंगे तब तक मैं अपना अन्य काम करते हैं। तो आगे साइड गए तो यहाँ पर देखो हस्बैंड तो अपने जूस में नमक डालने में उनको इतना टाइम लग गया, हे भगवान बच्चे क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ सोए हैं बुरुनो जी, आराम से नीचे सोए हैं, पार्थ और गर्वित ऊपर सोए हैं, क्योंकि बच्चों की ना छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों बच्चों को डिस्टर्ब करें तो इन्हें सोने देते हैं। तो गाइज मैं भी किचन में जाके अपने लिए बना लेती हूँ चाय। तो गाइज देखिए हमारी तो चाय यहाँ पर बन गई है, उबल गई है चाय। तो फिर जब तक चाय थोड़ी ठंडी हो रही है, मैंने सोचा क्यों ना मैं सफाई कर लूँ। तो गई सफाई करने गई, तो ये कपड़े तो मैं संडे को धोऊंगी, तो यानी कि परसों धोऊंगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वपड़े रख लेती हूँ, और ब्रोनो को मैंने दे दिया सुबह सुबह खाना, ताकि वो आराम से खाना खा के ना फिर रिलैक्स होके सो जाए, क्योंकि फिर वह दिन भर भौंकेगा नहीं, तो उसको सुसु पोटी का टाइम सुबह होता है, वो जो करके आ गया। तो गाइस ब्रोनो तो अपना खाना यहाँ पर से खा रहा है, तो मैं भी आराम से एसी में बैठ के अब पी लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। गाइस एसी तो सुबह से खुला हुआ है, पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, माय गॉड मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइस पी लेती हूँ मैं अब चाय आराम से यहाँ पर बैठ के, जब तक एसी चल रहा है। एसी तो पूरे दिन भर चलता रहेगा बच्चों के साथ। तो ये लो जी हमारी चाय, इतनी मात्रा में ही है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं फटाफट से पी लेती हूँ गर्मा गर्म अपनी चाय। चाय तो गाइस बड़ी अच्छी हो रही है। फिर मैं किचन साइड गई, तो मैंने सोचा आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि एक रोटी ब्रोनो के लिए बनानी थी, और मैं भी आज रोटी ले जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि जो मम्मी ने करेले बनाए थे ना वो आज के लिए बचे हुए हैं। तो गाइस बहुत लोग कह रहे थे कि आप करेले बचे हुए क्यों खा रहे हो इतने दिन के। गाइस जो करेले चोखे होते हैं और वो बिल्कुल सूखे हैं, तो इसलिए उनको हम एक हफ्ता या 10 दिन चला सकते हैं, वैसे तो 15 दिन चला सकते हैं, तो मैंने एक हफ्ते में हमारे ख़त्म हो गए हैं गाइस करेले। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए ओट्स, अपने पति देव के लिए ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि और खाना कुछ खा नहीं सकते, उनके लिए यहाँ पर बन रहा है ओट्स, वो भी 1 चम्मच ओट्स डाल के मैं वो बनाने जा रही हूँ अपने पति देव के लिए। उसको बनने में 5-10 मिनट लगेगा, और तो उसमें कुछ डालना नहीं, अगर हम गाजर वगैरह डालें तो अच्छा रहेगा, पर हस्बैंड को कुछ अभी ऐसा खाना नहीं है क्योंकि वो खा नहीं पा रहे। तो इसमें हम थोड़ी सी डाल देते हैं नमक हल्दी, और थोड़ी सी इसमें मैं काली मिर्च डाल देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा ओट्स बन रहा है, और पार्थ के लिए मैगी बनाई थी नाश्ता में, उसने खाई नहीं, ये भी हो गई है वेस्ट। अब सूखी हुई मैगी तो कोई खाएगा नहीं ना, तो इसको फेंकना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं अपने लिए बना लेती हूँ अब रोटी, और 2 रोटी गर्वित के लिए बनाती हूँ। सबसे पहले मैं रोटी बना रही हूँ अपने ब्रोनो के लिए। तो गाइस ये रोटी तो बन रही है हमारी ब्रोनो के लिए,
तो फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ। सबसे पहले रोटी बनाने का कार्य होगा हमारा अब। तो गाइज रोटी तो मुझे ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी बहुत बनानी है, 4-5 रोटी बनानी है, क्योंकि पहले ब्रोनो के लिए बनाऊंगी, फिर 2-3 अपने लिए बनाऊंगी और 2 रोटी छोटी छोटी गर्वित के लिए बनाऊंगी। वो तो नमक के साथ खाता है, पर अभी तो सोया हुआ है, पता नहीं कब उठेगा, खाएगा नहीं खाएगा वो भी मुझे मालूम नहीं। तो गाइज हमारी रोटी भी ऑलमोस्ट बनने वाली है, और हस्बैंड के लिए तो मेरा बन चुका है ओट्स, उसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद वो आराम से खाएंगे, अभी वो नाश्ता कुछ करेंगे नहीं। तो गाइज यहाँ पर हमारी रोटी भी बन चुकी है और ब्रूनो जी की अपना काम धाम कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो गाइज ब्रूनो को जहाँ भागने को कह रही हूँ वहाँ भाग जा रहे हैं, तो ये लो जी हमारा झाड़ू पोछा का कार्य भी होता है, मैं फटाफट से नहा के आ जाती हूँ। तो गाइज नहा धो लिया, नहा धोने के बाद अब मैं अपने लिए टिफ़िन भी रख लेती हूँ फटाफट से। तो गाइज टिफ़िन में मैंने रखा है रोटी और करेला, ये करेला लास्ट बचा था आज, मैंने सोचा अलग अलग टिफ़िन क्यों ले जाऊँ, मैं एक ही टिफ़िन में रोटी उसके ऊपर करेला रख के ऑफिस को ले जा लेती हूँ। तो गाइज आज का मेरा जो लंच और नाश्ता है वो यही है, रोटी और करेले की सब्जी। तो गाइज बच्चे तो हमारे ना दोनों यहाँ पर सोए हैं, तीनों ब्रोनो भी कर भी पारते भी इनको सोने देते हैं। तो अब मैं गाइज जा रही हूँ ऑफिस के लिए, क्योंकि टाइम हो गया मेरा 8:45 हो गया, तो मैं फटाफट से ऑफिस को निकलती हूँ। तो गाइज पार्क के रास्ते जा रही थी तो इतनी गर्मी है, हे भगवान मैं क्या ही बताऊँ, गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, पूरी इतनी गर्मी हो रही है ना, पूरा पसीना पसीना हो गया। तो मैं इसी रास्ते से जाती हूँ ऑफिस के लिए, आगे तक रिक्शा लिया उसके बाद पैदल पार्क के रास्ते जाना होता है। तो गाइज मैं यहाँ से जा रही हूँ ऑफिस को, और गर्मी इतनी ज़्यादा है, और बहुत सारे लोगों के ना ये क्वेश्चन थे कि आप करेला जो बनाया अपनी मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया, हमें कब खिलाओगे। तो गाइज आप लोग कभी भी आइए हमारे घर, और आप लोगों के लिए जब मम्मी यहाँ होगी तो पक्का हम आपको करेला खिला देंगे, पर इतना अच्छा करेला बनाया मम्मी ने मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज आज के मौसम की साइड जाए तो मौसम तो बहुत ही गर्मी हो रही है। तो गाइज जब मैं ऑफिस से भी आ गई, ऑफिस आने के बाद मैं गई हूँ नोएडा हट में जैसे हमने एंट्री की, माय गॉड इतने अच्छे मैट थे ना यहाँ पर, मैं क्या ही बताऊँ, और रीजनेबल रेट पे थे, बड़े ही अच्छे थे, पर जो कारपेट थे ना उसके रेट बड़े हाई थे, ये यहाँ पर 3000 से इसकी प्राइसिंग जो थी स्टार्ट थी। तो गाइज ये सब तो हमने देखा लिया, इसमें से मैंने कुछ नहीं, पर जो मुझे लेना है वो मैं आगे जाके उसको अभी उसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ। तो मैट ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर ये था 5,500 का, तो मैंने इसको भी लिया नहीं। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे, और ये देखो मछली अच्छी लग रही है ना, तो ये भी बड़े अलग अलग कलर में थी, ठीक थी, पर ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या काम आएगी, पैर इसमें क्या ही आएगा, ये 2 पैर तो एक साथ आ नहीं सकते। तो फिर भी मैंने सोचा देख लेती हूँ, हस्बैंड से पूछूंगी, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ले लूँगी। फिर आ गई यहाँ पर ब्रूनो का दोस्त, देखो ब्रूनो का एक भाई और मिल गया। तो गाइज घर आने के बाद गर्वित पढ़ाई कर रहा है अपनी यहाँ पर, पढ़ाई करते हुए उसको कुछ गिफ्ट्स भी मिले थे किसी के बर्थडे में से। तो उसके बाद गाइज मैं लेके आई थी मुंगोड़ी, नोएडा हट जाने का यही रीज़न था, मुझे मुंगोड़ी चाहिए थी, तो मुंगोड़ी और ये मैंने इमली वाला जो होता है ना खाने का गोल गोल वो लिया, और अनारदाना, ये सारी चीज़ें ली, और अचार लिए, अचार तो 2-3 तरह के मैं ले आई, क्योंकि अचार पार्थ को भी बहुत पसंद है, और पार्थ से ज़्यादा गर्वित को पसंद है, गर्वित से ज़्यादा मुझे तो पसंद है ही है। तो गाइज इसमें लहसुन अदरक कुछ नहीं था, ये आम का अचार था, ये वाला मीठा आम, और ये वाला जो आम है ये भी आम का अचार है, ये लच्छा आम है, और ये वाला है मिक्स आम, ये है खट्टा मीठा आम। तो हमने यहाँ से इतनी सारी हमने आज शॉपिंग कर ली। तो गाइज ये शॉपिंग तो बड़ी अच्छी रही आज की, रीजनेबल रेट पर ये इतना सारा हमने सामान नोएडा हट से ले लिया। अचार तो वहाँ पर इतना अच्छा मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज जब मैं मुंगोड़ी लाई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम मुंगोड़ी की सब्जी और भात बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारी मुंगोड़ी भुन रही है, ये आज हम बनाने जा रहे हैं डिनर पे, रात का खाना आज हमारा होगा मुंगोड़ी की सब्जी और भात। रेडी, ये है मुंगोड़ी की सब्जी और भात, और साथ में मिर्च, और जो मैं आज लाई थी अचार। तो गाइज फटाफट खाना खा लेते हैं, आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।